जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें, डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। बात डबल निगम चुनाव में मेयर के लिए दौड़ की तो सभी 6 निगमों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर, जयपुर ग्रेटर में दिव्या सिंह, जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा, जोधपुर दक्षिण में पूजा पारिक, कोटा उत्तर में मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। और साथ ही वहीं बीजेपी ने जयपुर हेरिटेज में कुसुम यादव, जयपुर ग्रेटर में सौम्या गुर्जर, जोधपुर उत्तर में संगीता सोलंकी, जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ, कोटा उत्तर में संतोष बैरवा और कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी को अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और उसके बाद अब दिग्गज नेता पार्षदों की बाड़ेबंदी और राजनीतिक गणित बिठाने में लगातार जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। कौन कौन से प्रत्याशी मेयर की दौड़ में हैं वो आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। जयपुर हेरिटेज में वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार मंथनों का दौर चला, उसके बाद आखिरकार मोहर लगा दी गई, एक नाम को लेकर मैदान में उतारा गया है। सौम्या गुर्जर जयपुर ग्रेटर से है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जोधपुर से संगीता सोलंकी है। जोधपुर लगातार यहाँ की सीट पर भी नजर बनी हुई थी, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दोनों ही, क्योंकि सीएम की गृह नगरी। इसके बाद वनिता सेठ, संतोष बैरवा, जोधपुर दक्षिण में वनिता सेठ है, संतोष बैरवा कोटा से है, विवेक राजवंशी भी कोटा से, कोटा दक्षिण से है विवेक राजवंशी और कोटा उत्तर से संतोष बैरवा है। और अलग अलग जगहों में सुबह से ही लगातार मंथनों का दौर भी चला, बड़े नेताओं ने लगातार बैठकों का दौर भी चलाया, अलग अलग जगहों में लगातार सरगर्मियां तेज रही, एक के बाद एक कई नामों को लेकर कयासबाजी। लेकिन अब जो तस्वीर है वो लगभग क्लियर हो गई है।